ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम बात करेंगे 20 जुलाई सोमवार से लेकर 26 जुलाई रविवार तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जानेंगे कि आपकी राशि के लिए ये दिन कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, हमारा राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। ये समय श्रावण मास का समय है। 20 जुलाई सोमवार को कृष्ण पक्ष रहेगा, इसके बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। इस सप्ताह में आपकी राशि के लिए कई तरह के शुभ अशुभ योग बनने वाले हैं। जानकारी बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को दबा दें। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति इस तरह बनी हुई है कि शुक्र वृषभ राशि में, राहु बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति केतु धनु राशि में, सूर्य कर्क राशि में, शनि मकर राशि में और मंगल मीन राशि में रहने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि आपकी राशि अब काल सर्प दोष से बाहर आ चुकी है। पूरी पृथ्वी अब काल सर्प दोष से बाहर है और इस समय में, इस सप्ताह के अंदर चार तरह के शुभ योग भी बने हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पावरफुल योग सूर्य और शनि के मध्य में सम सप्तक योग बना हुआ है। ये योग बहुत ज्यादा शुभ है और महाशक्तिशाली है। अब आपकी राशि के लिए आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि शनि को सूर्य का बल प्राप्त होने वाला है। दूसरा बड़ा योग आपके लिए शनि और शुक्र के मध्य बनने वाला नवम पंचम राजयोग, जो कि बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, बहुत ज्यादा भाग्यशाली योग है और आपकी राशि के लिए अब बन चुका है। इसके साथ ही बृहस्पति और बुध का सम सप्तक योग भी इस सप्ताह में बनने वाला है और फिर शनि और मंगल में तिर एकादश योग, बहुत ज्यादा शुभ और बहुत ज्यादा भाग्यशाली योग, तिर एकादश योग जो कि रोडपति को करोड़पति तक बना देता है। दोस्तों, ये चार तरह के शुभ योग आपके लिए अब बन चुके हैं और काल सर्प दोष से भी आपकी राशि अब बाहर आ चुकी है और अब महामारी में भी आपको बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और साथ ही कामकाज में भी आपको बहुत बड़े सुधार अब देखने को मिलेंगे। 20 तारीख सोमवार को संतान की तरक्की, शिक्षा में लाभ, प्रेम संबंधों में मिठास पनेगी, व्यापार में सफलता का योग है, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, मजबूत आर्थिक पक्ष रहेगा। 21-22 को वाद विवाद से बचें, अनावश्यक खर्च पड़ेंगे, भाग दौड़ बढ़ेगी, लंबी दूरी की यात्राओं के योग हैं। इस समय में फिजूल के कामों में समय बर्बाद करने से बचना है और लड़ाई झगड़े के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। 23 और 24 को व्यापार में सफलता का योग है, नौकरी में पदोन्नति होगी, नई नौकरी में आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी। 25 को इनकम बढ़ेगी लेकिन जरूरी कामों के चलते खर्च होंगे। 26 तारीख को सेहत का खास ख्याल रखें, सेहत बिगड़ सकती है, पारिवारिक वाद विवाद इस दिन हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।